सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन, जिससे मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा एंड यू आर वाचिंग जीनियस मॉमी। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज है सैटरडे और बज रहे हैं शाम के 4:15 बज रहे होंगे। मैंने टाइम अभी देखा नहीं, बट लगभग 3:30-4 ही हो रहा है। और आज मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट लंच सारा रूटीन इतना आराम आराम से चलता रहा। जैसे मैंने आपको बताया अपने पिछले व्लॉग्स में कि सैटरडे संडे मेरा रूटीन ऐसे ही थोड़ा सा लेज़ी रहता है, आराम से चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा कि आज चलते हैं डीमार्ट, मुझे कुछ मंथली ग्रॉसरीज भी लेनी है और क्रिसमस में क्या रौनक है मार्केट में, मुझे वो भी देखना है। मैं सोची थी कि क्रिसमस में मुझे कुछ रेसिपीज़ घर में बनानी है, तो उसके लिए केक एंड ऑल, तो मैं सोची थी कि मैं कुछ सामान भी ले आती हूँ। एंड मुझे अब बस मार्केट की रौनक देखने की बहुत लगी रहती है कि कोई फेस्टिवल आता है तो उस टाइम पे मार्केट कितना सज जाता है। मतलब ऐसे हो जाता है कि बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स और घर के यूज़ की डेकोरेटिव आइटम्स, घर किचन के लिए बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है देखना, ख़रीदना। और मुझे अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। भले ही हम हिंदू हैं, लेकिन मुझे क्रिश्चियन में कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ी हूँ, तो मुझे जो क्रिश्चियन कल्चर है उसका बहुत अच्छे से पूरा नॉलेज है, क्योंकि हम बचपन से वही देखते आ रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है कि मेरा काफ़ी अटैचमेंट है क्रिसमस से। हमारे स्कूल्स में हम पार्टिसिपेट करते थे क्रिसमस सेलिब्रेशन में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी क्रिसमस के लिए प्रिपरेशन करूँ, तैयारी करूँ। बट अभी तो स्कूल डेज तो चले गए, तो घर में जो हो पाता है मैं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी केक बनाऊँ, अपने घर को थोड़ा डेकोरेट करूँ क्रिसमस के लिए। ऐसा मुझे अच्छा लगता है, कोई सा भी कल्चर हो मुझे उसको फॉलो करना अच्छा लगता है। मैं कभी ये सब नहीं सोचती हूँ कि हम क्यों करें, बट मुझे हर कोई भी कल्चर हो, अगर ईद आती है तो मेरे घर में प्रॉपर वो सारी चीज़ें बनती है, जो कि मैं बिरयानी बनाती हूँ, मैं सेवई की खीर बनाती हूँ। ऐसे ही जब क्रिसमस आता है तो मैं केक बनाती हूँ, कप केक्स बनाती हूँ, मफिन्स, जो भी मतलब जो बनता है। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि मैं इंडियन हूँ, इंडिया में रह रही हूँ, तो मैं हर तरह के कल्चर को फॉलो करूँ। मेरे बच्चे को मैं हर चीज़ सिखाऊँ कि सबसे प्यार करना, हर कल्चर की रिस्पेक्ट करना। तो मैं उसी के लिए मार्केट जा रही हूँ, ताकि बच्चा भी देखे मार्केट में कि क्रिसमस के टाइम कितनी रौनक होती है और उसे भी सारे कल्चर्स के बारे में पता हो। तो इसी के लिए मैं जा रही हूँ आज। तो देखते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या देखने मिलता है, मैं आपको भी घुमा के लाती हूँ मार्केट। तो चलिए चलते हैं पहले डीमार्ट और फिर हम घूमेंगे थोड़ा सा मार्केट। गाइस, मैं अभी आई हूँ डीमार्ट से। 3:30-4 बजे निकली थी और शाम के 7 बज चुके हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने बस जल्दी से मुँह हाथ धोया है और मैं खा रही हूँ समोसा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं डिनर तक वेट नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए मैं समोसा खाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, अभी हुआ है मेरा नाश्ता, मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ। बहुत ज़्यादा आज मैं थक गई थी, क्योंकि 4 बजे से हम लोग घर से निकले थे और पूरी शॉपिंग करते करते मुझे 7 बज गए। 7 बजे मैं घर लौटी हूँ, क्योंकि डीमार्ट मेरे घर से कम आधा घंटा दूर है। फिर आने के बाद इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, फिर बेबी को खाना खिलाना था, फ्रेश वर्क करवाना, फिर जो भी हम लोग भी बहुत थक गए थे, तो हमने थोड़ा सा नाश्ता किया, समोसा वगैरह खाया। मैं बाहर से पैक करा के लेके आ गई थी और फिर मैंने चाय पी। उसके बाद मुझे अभी बहुत रिलैक्स लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि जो भी मैं मंथली ग्रॉसरी लेकर आई हूँ, जितनी भी ला पाई हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरी छूट गई, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो गया था, बिल्कुल मैं कैरी नहीं कर पा रही थी और लेट हो रहा था एक्चुअली। और क्या होता ना, डी मार्ट में बेबी यहाँ वहाँ भागती रहती है, उससे भी पकड़ो, उससे भी देखो, फिर सामान भी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जितना हो पाया मैंने लाया, और कुछ चीज़ें जो छूट गई है वो मैं यहाँ लोकल ग्रॉसरी शॉप से ही लेके आऊँगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं सबसे पहले दिखा दूँ मेरी बेबी के जो मैंने लाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एक ज़ाइलोफोन, या इसे पियानो भी कहेंगे। ये डीमार्ट में मुझे मिला है 399 में। ये देखिए, इस तरीके से इसमें म्यूज़िक बजता है। ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसमें दो कलर ऑप्शन थे, ब्लू एंड ये रेड, तो मेरी बेटी ने ये ही उठाया, उसे ये पसंद आया। तो मैं सोचा चलो ले देते हैं बच्चे के लिए, तो एक ही लिया है।
गाइस, ये था मेरा डीमार्ट हॉल, ग्रॉसरी हॉल। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने अपनी बेटी के लिए शूज़ भी लाए हैं जो कि वो पहन के घूम रही है, उसका पिक्चर मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। उसे इतना पसंद आ गया कि उसे जैसे ही वो शूज़ देखे बैग से तो तुरंत ही उसने पहन लिए और वो सारे घर में घूम रही है शूज़ पहन के। तो उसका पिक्चर मैं डाल दूँगी इस वीडियो में। और आपको जो भी मेरे वीडियो में जो चीज़ें कमी लगी हो मुझे प्लीज़ बताइएगा, इम्प्रूवमेंट अगर कुछ करना हो तो भी बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।